मुल्तानी मिट्टी का यूज होते नहीं देखा। पता है इन्फेक्शन होता है उसके वास्ते देसी घी मिल जाएंगे। ये क्या है भैया? स्टेलिंग तरह से ये मठा। ऐसे भी महिलाओं द्वारा हमें खाना परोसा जा रहा है और मॉर्निंग नमस्ते भारत और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज की बात करें तो हम आज भी आश्रम में ही हैं, देख रहे हैं खूबसूरत सुबह हो गई है और सुबह होने के साथ साथ हम भी जाग के उठ गए हैं और फिलहाल हम नीचे उतर रहे हैं और हम रेडी हैं और रेडी होके आज हम कहीं निकल रहे हैं। तो फिलहाल कहाँ निकल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो भी आपको अपने ब्लॉग में बताते रहेंगे। और भैया के साथ बाहर जाएंगे, अब भैया की बसंती से जाएंगे और हम अब सिटी से बाहर निकल गए हैं और देख रहे हैं पूरा मार्केट है ये। यहाँ पे देखिए ये है हमारा इलिकल तालुका। सेविंग एविंग ज्यादा बढ़ गई है और थोड़े बाल बाल कटवाने के लिए हम विनायक भाई के साथ आ गए, विनायक भाई की दुकान पे। विनायक भाई थैंक यू। और विनायक भाई के ये है पापा जी, जो कि वो भी उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और देखिए अभी हम यहाँ पे बढ़िया सेविंग एविंग करा लेते हैं, तकली वकली करा लेते हैं। और तो भाई हमने अगर तकली वकली करा ली है, देख रहे हो तकली में कैसा लग रहा है और चेहरे में पता है क्या लगा है, हमारे देश की धरोहर मुल्तानी मिट्टी जो आजकल लोग लगाते नहीं है घरों में, और घरों में तो लगाते नहीं है। पर मैंने अपनी यात्रा के दौरान भी कई दुकानों पे गया हूँ, कई दुकानों पे बाल कटवाए, सेविंग करवाई, पर आज तक कभी किसी भी दुकान पे मैंने मुल्तानी मिट्टी का यूज होते नहीं देखा। पर आज मैं जब विनायक भाई के शॉप पे आया हूँ और विनायक भाई के यहाँ आया तो मैंने बोला कि विनायक भाई कुछ थोड़ा सा क्रीम लगा देना, तो विनायक भाई बोले कि भाई हम केमिकल का उपयोग नहीं करते। अभी हम देश में बात करते हैं कि बिना केमिकल के नहीं रहा जाता, बिना केमिकल के कुछ भी नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि आपको विनायक भाई जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि हमारे इस पेशे में जिसमें लोग बाल काटने वाले पेशे में जो बार्बर हैं उनकी दुकान पर भी बिना केमिकल फ्री आपका फेस मसाज हो सकता है। मैंने जब विनायक भाई से जब ये बात बोली थी तो विनायक भाई ने बोला कि ब्रजेश भाई हम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते, हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं और हमारे पास जो कस्टमर आते हैं जो फेस मसाज के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर आपको मुल्तानी मिट्टी से फेस मसाज करानी है तो हम कर देंगे, पर हम केमिकल नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब कि देसी को प्रमोट करना बहुत कम लोग हैं, पर आज भी ऐसे लोग हैं और मैं तो विनायक भाई जैसे लोगों को सल्यूट करता हूँ कि कम से कम वो अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचा के तो रख रहे हैं, कम से कम लोगों को तो बता रहे हैं कि ऐसी भी हमारी सभ्यता थी, फेसियल के चक्कर में अपने चेहरे को मत जलाओ, कम से कम देसी तो अपनाओ। समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत की जो हम बात कर रहे हैं वो भी एक सपना साकार होगा, तो हमें तो विनायक भाई जैसे लोगों को सल्यूट करना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। तो भाई विनायक भाई पीछे ही खड़े हैं और हमें सौभाग्य मिला है विनायक भाई के हाथों से और वही हमारी मसाज कर रहे हैं और देख रहे हैं अभी हमारे चेहरे का मुल्तानी मिट्टी सूख जाएगा। विनायक भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? रहता है ना फेस वॉश कराना है, ब्लू चीज वगैरह वगैरह नहीं कराना है जी, तो कराने के बाद दो दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन को मुंह काला होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके वास्ते देसी का क्रीम लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो विनायक भाई का कहना है कि ब्लीच लगाने से दो तीन दिन बाद मुंह काला हो जाता है और फिर से लोगों की वो कंप्लेंट चालू हो जाती है जैसा उनका था वैसा। सो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा देसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसको प्रमोट कीजिए और किसी भी बार्बर की शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कीजिए। और चेहरे पे मसाज और टकली करवाने के बाद अब हम निकल गए आगे के लिए, टकली भी होगी मसाज भी होगी। दोस्तों चेहरा कैसा लग रहा है? और भैया ने ना मस्त मसाज करने के बाद बढ़िया सब कुछ कर दिया और थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देख रहे हो चेहरा ग्लो कर रहा है, मतलब मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद चेहरा अलग ही, यहाँ पे थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा होगा पर मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। मैं तो आ गया और रात को आश्रम में आपको लाइट के कारण अच्छा सा नहीं दिख पा रहा होगा, फिलहाल हम आश्रम में आ गए। आश्रम में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ आश्रम में ही आपको जो गुरुजी थे और उनके भी बड़े थे तो वो
यहाँ पे ये देखिए रुद्राक्ष की माला से लेके सारी चीज़ें आपको आश्रम के गेट पे ही, आप जब आश्रम में एंटर करेंगे वहीं पर ये गेट है जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये क्या है भैया? इष्टलिंगा। ये भगवान का स्वरूप है। हाँ, भगवान का स्वरूप है। ओके, इसको इष्टलिंगा बोलते हैं और ये से भगवान का स्वरूप मतलब लिंग जैसा है। तो ये है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी गुरु जी की मूर्तियाँ भी मिलेंगी और आप कुछ भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं चाय वाय पीने के बाद, क्योंकि हमारा है ना अंडरवियर फट गया है कच्चा, और उसका फोटो भी मैं कल वीडियो में डालूंगा। कल तो हमने एक कच्चा ले लिया है और वो भी ले लिया। कहाँ है हमारा कच्चा? वो उधर है, कच्चा पैक हो गया है। तो हमने एक कच्चा भी ले लिया है। अभी हमारे पास एक कच्चा एक बनियान हो गई है मस्त, और बढ़िया से बैठेंगे और कल अपना कच्चा भी दिखाएंगे वीडियो में। भैया शाम का करीब करीब 8:30 बज गया और हम पहुंच गए श्री विजय महंतेश्वर मठा। इस मठा की खासियत है कि यहाँ पे जो जिस मठा में मैं ठहरा हूँ वहाँ पे, तो इस मठा की खासियत है कि यहाँ पे इनके जो गुरुजी के गुरुजी रहे हैं और उन सभी के, तो वहाँ पे इन सभी लोगों की, गुरुजी के गुरुजी जो रहे हैं उन सभी लोगों की समाधियाँ हैं, और समाधि के साथ साथ सब लोग यहाँ पर भी दर्शन करने आते हैं। और ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिलहाल तो हम आपको ये मठा दिखा रहे हैं और हम यहाँ से आज यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी है और उस प्रोग्राम को भी ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आए हैं और देखिए जमीन पर बैठ के खाना खाने का एक अलग ही मजा है। और सच में मैं तो कहता हूँ कि कितने भी बड़े प्रोग्राम हो कोई टेबल कुर्सी का खर्चा नहीं करने का, जमीन पर बैठ के खाने खाने का एक अलग ही मजा है। इस जगह पे, जिस जगह पे मैं खाना खाने आया हूँ वहाँ पे मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। और एक नई चीज दिखाता हूँ, ये सभी महिलाओं द्वारा हमें खाना परोसा जा रहा है। और खाना जो परोसा जा रहा है बंद कर सकते हैं और प्लास्टिक का यूज कम भी कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो भोजन है वो पेपर की प्लेट में है, ये पेपर की प्लेट है, ये प्लास्टिक की प्लेट नहीं है, प्योर पेपर से बनी हुई है गत्ते से। तो आप देखिए जितने भी प्लेट्स हैं यहाँ पे 0% प्लास्टिक है। हाथों में स्टील के बर्तन हैं और स्टील के बर्तनों में ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक अच्छी पहल कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और लोगों को जो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, मैं जो मिशन लेके निकला हूँ अभियान के लिए पूरे भारत में यात्रा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इस तरह का अगर उपयोग करें तो काफ़ी किलो में प्लास्टिक जो आज बाज़ार से एक प्रोग्राम में यूज होता है वो कम हो जाएगा। तो इस खाने की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसमें मूली भी है, ककड़ी भी है, पत्ते भी हैं और दाल मोठ भी है, बैगन की सब्जी है, जलेबी है, रोटी है, चपाती है, काफ़ी सारी आइटम्स हैं। तो भाई रात के बज रहे हैं 10:30 हो गए होंगे या 11 बज गए होंगे। तो फिलहाल हमने बसंती को तो यहाँ पे अच्छे से पार्क कर दिया है क्योंकि वो इधर ही खड़ी रहेगी और हमारा रूम तो ऊपर है ही साथ में। सो हम यहाँ से अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठेंगे। तो आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। कल फिर मिलूँगा नई जगह से नए लोगों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते भारत।